बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आप लोगों के साथ हुसैन अली की जर्नी शेयर कर रही हूँ, जो कि उनके फेस रिवील से पहले की है, यानी उन 40 डेज की है। तो ये सबसे पहली क्लिप जो आप देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल की है, यानी पैदाइश के फ़ौरन बाद की क्लिप थी। और ये हॉस्पिटल की क्लिप है जो कि हसन अली मुझसे मिलने आए थे, तो हसन अली वहीं सो गए थे और हुसैन भी उनके बराबर में सो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दोनों भाई माशाल्लाह से। तो मैंने जल्दी से इनकी वीडियो क्लिप बना ली थी और यहाँ इनके बाबा भी मिलने आए थे। बाबा की उंगली पकड़ के बैठे हुए हो, बाबा की उंगली देखे तो कितना टाइटली पकड़ा हुआ है माशाल्लाह से। आपको देख रहा है, मामा को भी देख रहा है, मामा का बेटा। आपको कैसे पता? हसन बेचारा बच्चा सो रहा है, मेरा उठा नहीं है। और ये देखें जरा, आपको देख रहा है टुकुर टुकुर। बाबा बेटे देख रहे हैं माशाल्लाह एक दूसरे को। प्यारा गुड्डा है ये मेरा, प्यारा प्यारा बेटा है। फिंगर नहीं छोड़ा, हो रही है हुसैन की घर जाते ही मालिश। गलती हो रही है, मेरे भाई नहीं रो। लंबी बात नहीं कर रहे। 1 2 अच्छा कितनी आती है? 1 2 करो। कैसा है बेबी आपका? ठीक है। हसन की गोदी में दूं? हाँ। आओ हसन की गोद में दें। हसन खुद भी बेबी बन गया, क्रॉल कर रहा है, छोटा सा बेबी बन गया हसन। हसन अली भी ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि भाई मैं भी छोटा बच्चा हूँ, छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं कि मुझे भी ज़्यादा अटेंशन मिले, ताकि उनकी जो ज़िद है ना वो ख़त्म हो। और यहाँ देखें हुसैन माशाल्लाह जो है ना, 2 से 3 दिन नहीं, सॉरी, यहाँ ये तकरीबन 4 से 5 दिन के हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि स्किन भी हट रही थी, न्यू स्किन आ रही थी और इतने अच्छे लग रहे थे, उस वक्त इतने कमज़ोर लग रहे थे मुझे हुसैन बहुत ज़्यादा। हुसैन हुसैन हुसैन, इधर इधर तो देखिए, इधर इधर इधर, कुकू 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 कुकू। हुसैन जी। और जब हुसैन अली मेरी गोद में आए तो आप यकीन करें मुझे इतना सुकून मिला, जैसे कोई बिछड़ी हुई चीज़, कोई खोई हुई चीज़ मेरे पास आ गई थी। जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो तब भी मुझे हसन की बहुत फिक्र रहती थी, लेकिन हुसैन से भी इतनी मुझे अटैचमेंट हो गई थी, जैसे पता नहीं कब से मैं इसको जानती थी, वो ये मुझसे बिछड़ गया था। और इसकी इससे इस तरह खेलना मुझे इतना अच्छा लगता है, हर माँ को अच्छा लगता है। हसन पेप्सी पी रहे हो कोर्ट में बैठ के। हसन ये तो भाई का कोट है, आप अच्छे भी नहीं लग रहे इसके अंदर। अच्छा है, छोटा हो गया। आपने भाई को नीचे लिटा दिया है और आप खुद लेट के बैठ गए इस पे। कैसे झूला झूलते हैं? आपसे तो झूला भी नहीं झूले जा रहा हसन। चोना
और ये वीडियो है उस दिन की जब हुसैन अली की सुन्नत करवाई थी, यानी हुसैन अली बड़ी तकलीफ़ में थे और पूरे एक हफ्ते बाद, मतलब थर्सडे की नाइट को हुसैन अली पैदा हुए थे और थर्सडे की ही नाइट को हमने, यानी नेक्स्ट थर्सडे नाइट को हमने हुसैन अली की सुन्नत करवा दी थी। और हुसैन अली की सुन्नत करवाई जब, तो वो रात भर इतनी यानी तकलीफ़ में, एक रात तो बच्चा रहता है तकलीफ़ में लेकिन उसके बाद ये है कि सुकून आ जाता है। और हमने रिंग वाली जो है ना करवाई थी, हसन अली की भी वही करवाई थी सुन्नत, तो ये है कि उससे ये कि बच्चा कम तकलीफ़ में होता है, डायपर वगैरह पहना देते हैं और ये देखें उसकी जो खाल होती है वो उसके पाँव में ही बांध देते हैं, इस तरीके से ये लोग बांध कर खुद ही दे देते हैं और डायपर वगैरह पहना कर ही देते हैं। तो रात को उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया था हुसैन ने, और एक वो देते हैं छोटी सी कोई मेडिसिन होती है वो देते हैं बच्चों की, मीठी सी होती है शायद, तो उसे खिलाने से इतनी तकलीफ़ नहीं होती। और हुसैन को हमने गंजा भी करवा दिया था साथ ही साथ, तो बच्चा बड़ा तकलीफ़ में था इस ऐसे ही गुजरने वाली है गोद में लेके, है ना। एक दिन की तकलीफ है, इंशाल्लाह ताला पे कल इंशाल्लाह इनकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। सारी दवाएं भी खानी पड़ती हैं, दोनों बच्चे सो चुके हैं, सुना सो रहा ये सो रहा, मैं यहाँ सो जाऊंगी, इसके पापा कहाँ सोएंगे। बाबा मियाई लेके आए, हम कहाँ गए थे, क्या कहा था, कोको पास, डॉक्टर पास गए थे। शुगर मैंने अपना कार्ड बनवा लिया। देखो भाई इन लोगों का सोने का कोई प्लान नहीं है, ये भी जाग रहे हैं। नवाब हुसैन, हुसैन जाग रहे मजे से, है ना, और वो भी जाग रहे और सोने का कोई प्लान नहीं है। हसन गंदा बच्चा है, हसन आके भाई को प्यार करना, भाई देख रहा है, देखो कहाँ देख रहा है, भाई छत की तरफ देख रहा है, कहाँ देख रहे हो हुसैन अली, फिर से करो, सुन कर लो प्यार, अच्छा वीडियो बनेगी। भाई के हाथ पे कर लो, हाथ पे ये हाथ हटा रहा है, लाइक और मैंने ये दराज से ये मंगवाया था पाथर, और पाथर आया क्या हुआ कि मैंने कलर ही मंगवाया था ब्लू, आया क्या, यही होता है ऑनलाइन मंगवाने में कि आप कुछ मंगवाओ और कुछ आता है। इसी तरीके से मैंने टॉवल मंगवाई थी, बार टॉवल हुसैन की, तो ये उसकी जगह ये ब्लैंकेट आ गया और ये देखिए पिंक कलर का आया बार टॉवल, और मैंने मंगवाया था सी ग्रीन कलर का। खैर क्या हो रहा है ये
क्या हो रहा है? हुसैन भी हसन भी तहसीन की गोद में, दोनों चुप है। वो चुपचाप लेटे हुए, उनको मजे आए। मैं रोजा खोल लिया। हुसैन मम्मा ने तिल इतना बड़ा लगा दिया आज। अच्छा लग रहा है सुनो भाई। आउट ऑफ स्टॉक। जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा आ जाता है ना, तो इसका मतलब है कि कोई टॉय आ गया। हर किसी का चाहता है उसके साथ खेलने का ना। तो यहाँ इन लोगों का प्ले टाइम चल रहा था और मैं कह रही थी कि सो जाओ, और हसन अली कह रहे थे कि बाबा बस बैठो, मैं आपके ऊपर बैठूंगा। तो बस हसन अली की जिद है और वो कह रहे थे कि मैं भी हुसैन के साथ खेल रहा हूँ। बस ये देखें, इसके ऊपर ये था कि बस बाबा आप बस जल्दी से बैठो और मैं आपके ऊपर बैठूंगा। बस इसकी अपनी अपनी ज़िदें लग गई हैं कि बस मेरी बात सुनते रहें आप जो है ना। तो हम हसन अली को ज़्यादा टाइम देते हैं हुसैन से ज़्यादा, और यहाँ हुसैन अपने कोर्ट में आराम फरमा रहे थे और ये हुसैन के साथ खेल रहे थे। हुसैन देखो भाई खिला रहा है आपको। हुसैन ये आपने फिशेस बिखेर दी बेटा। चुप हो गया भाई। और यहाँ पर हसन मेरे पास सो गए हैं और हुसैन जाग रहे हैं अभी। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप बताइए कि हसन की क्या एज है। तो हसन की एज है 3.5 इयर्स ओल्ड है हसन, और अभी स्कूल गोइंग नहीं है। अगर स्कूल ऑन होते तो मैं हसन को स्कूल एडमिशन करवा देती, लेकिन मैंने फ़िलहाल अभी हुसैन के होने के बाद अभी 1 वीक पहले ही मैंने हसन को ट्यूशन लगा दिया है और घर में मैं खुद पढ़ाती हूँ। इसके अलावा ये है कि हसन जो है ना मेरे पास अभी बैठ नहीं रहे थे, इसी वजह से मैंने ट्यूशन लगाया, वरना मैं नहीं लगाती इसको ट्यूशन। अम्मी हसन क्या बोल रहे हैं दादा जान? दादी दादा की मोहब्बत तो अलग ही होती है, उसके क्या ही कहने।
और अपने बाबा से इनकी जो अटैचमेंट है वो ये है कि आराम से सुकून से अपने बाबा के पास लेटे होते हैं, चाहे बाबा सो रहे हों या जाग रहे हों। इस वक्त ये सो रहे थे और जो है ना ये बड़े मज़े से मैंने इसको इनके पास लिटा दिया था और बड़े मज़े से ये आराम फरमा रहे थे हुसैन अली जो है ना। और हसन इनको आके बार बार तंग करता है, हसन को ये होता है कि बस मैं उठा दूँ, तंग करूँ, सबको आके बस उठा दूँ। हुसैन भी सो रहा होता है ना तो उसको कहता है उठो हुसैन, जाएगा हाथ खींच लेगा या प्यार कर देगा या कुछ भी तंग करना होता है उसको ना। और ये लोग बस इनका प्ले टाइम चल रहा होता है, इसी तरीके से माशाल्लाह ये लोग खेलते हैं। और मुझे लगता है फादर से ज़्यादा ना ये लोग अटैच होते हैं, दोनों ये जो है ना इनके साथ ज़्यादा अटैच है। नहीं। सुन कहाँ है? क्या हो रहा है भाई? तो सेरी बनाने आ जाए हुसैन। सलाम। हुसैन हुसैन मम्मा क्या कह रही है? और ये अंबर के पास रहता है बेचारा बच्चा मासूम सा। हुसैन हुसैन बेबे ओ बेबे ओ बेबे इसको प्यार करके कहीं लेकिन हम क्या करें, हमें तुम पे बहुत प्यार आता है भाई, बहुत प्यार आता है बेबी बेबी यश मामा बेबी बेबी चार कितने गोरे यार है भाई। क्या लगाया, कौन सा फाउंडेशन लगाया, कौन सी ब्यूटी क्रीम लगाई है? अंबर के हाथ को खाना चाह रहा था। अंबर के पास सो जाता है ये बच्चा, हसन भी सो जाता था और ये भी सो जाता है। ईद मेरे बेटे की ईद है ये, फर्स्ट ईद। और ये हुसैन की फर्स्ट ईद मुबारक, ईद मुबारक। पूरी शर्ट ऊपर कर दी आपने। अब अम्मी के साथ अम्मी सो रहा है वो तो पता ही नहीं है। छोटू बाबा अम्मी इधर छोटू बाबा है या छोटू बाबा दिखा दे इसको। अच्छा जूतू पूरी ड्रेसिंग दिखाएं इसकी। हाफिज कुरान बनो ये बड़ा और शूज भी जूतू भी वाह भाई वाह जूतू बना दिए मैंने जूतू। उसे हसन सतोपाजी में मैच हो रहा है, सतोपाजी में मैच हो रहा है ना। ईद मिलेंगे हम पहली ईद बस। ये है हुसैन की पहली ईद।
तो पहली ईद पे माशाल्लाह हुसैन को सब प्यार कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी क्लिप्स बनाई जाए, क्योंकि फेस रिवील जब तक नहीं हुआ था हुसैन का, तो फिर इसी वजह से मैंने जो है ना ज़्यादा क्लिप्स बना ली थी, ताकि आप लोगों को दिखा दिया जाए कि ईद पे किस तरीके से तैयार हुए थे और इनका हो रहा था फोटोशूट। तो अगर आपको देखना है फोटोशूट यानी इनकी पिक्चर्स, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इनकी पिक्चर्स अपलोड की है वहाँ। हुसैन की दी हसन की दी ईद मुबारक, दोनों की तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। मेरा फेस नहीं झूला ये बात क्या कर रहे हो आप, झूला झूला रहे हो भाई का, ये भी कर देता है, पोशाक भी कर देता है। आई झूला पसंद नहीं आ रहा ये बात का, कर देता है लेकिन आपका झूला पसंद नहीं आ रहा, पसंद आ रहे तो छोटा है ना, अंदर से रो रहा था, अंदर से रो रहा था। अंदर से कैसे रोते हैं? इबाद आपकी गोद तो छोटी पड़ रही है, वो देखो बाहर निकल रहा है। सेकंड बेबी की मदर होना इट्स नॉट सो इजी, पता है क्यों? क्योंकि आपको दोनों को एक साथ टाइम देना होता है और टाइम को इस तरह मैनेज करना होता है कि किसी को भी बुरा ना लगे, ना आपके छोटे बच्चे को और ना ही आपके बड़े बच्चे को। आपको दोनों को एक जैसा प्यार देना है, एक ही जैसा टाइम देना है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं दोनों मेरी गोद में लेटे हुए हैं और दोनों फिटर पी रहे हैं, दोनों मेरी गोद में इस तरह लेटे हुए हैं कि बस दोनों को मैं चाहिए, यानी मम्मा चाहिए। तो बहुत मुश्किल होता है। आलम यूँ है कि हुसैन अली जो हैं वो कंधे से लगे हुए हैं और हसन अली जो हैं वो गोद में बैठे हुए हैं, है ना हसन अली? मम्मा की गोद अच्छी लगती है हसन अली को अभी तक, और हुसैन जो हैं वो अभी सोने की तैयारी में। हुसैन 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 देखो पीछे चांद बन रहा है हुसैन के बालों से। हुसैन ये दोनों मेरी मुझसे चिपके हुए, एक गोद में लेटा हुआ है और एक कंधे पे चिपका हुआ है। प्यारा सा मुन्ना, नींद आ रही है हुसैन को अब? अम्मी दुपट्टा तो ऐसे ही कर ले, ये चाह रहा है। फेस देख के खुश हो रहा है। तो यहाँ कर देना ये बात को, सही देना मजर भाई इसके। अब रो रहा है। आओ आओ, क्या बातें कर रहे थे हुसैन आप खुद ही? हुसैन अली क्या बातें कर रहे थे आप? मेरा सोना क्या बातें करता है? मम्मा से भी करो, मम्मा से करो। हाँ अच्छा, लाओ गिव मी योर हैंड। हुसैन अली, हुसैन के सोने के कोई इरादे नहीं लग रहे मुझे अभी तक, है ना हुसैन? गुच्छो गुच्छो कौन करता है? ये बीबी करता है गुच्छा गुच्छा, ये गुच्छा गुच्छा करता है, ये खुश हो जाता है मम्मा के पास आके। और महन फिंगर पकड़ो मम्मा की, फिंगर कैसे पकड़ते हैं आप, पकड़ो। ओ ये ना मेरा बीबी, मेरा पोलो सा बीबी, क्यूटू सा। हुसैन
हुसैन अली, हुसैन की पूछियां कहाँ गई? कहाँ गिर गई? कहाँ गिरा दी हुसैन ने पूछियां? कहाँ गिराई है हुसैन अली आपने पूछियां? तो जी बस देखिए आपने, यही थी हुसैन अली की कुछ यादें। और सिर्फ यही नहीं, सॉरी, इसके अलावा भी इतनी ढेरों सारी यादें हैं जो कि वीडियो मैंने शॉर्ट करने की वजह से कुछ क्लिप्स कम कर दी और कुछ ऐसा है कि कुछ ना बना पाए, जैसे कि हुसैन अली का सोते में गंजा होना या नहाते में सो जाना। इसके अलावा इसकी इतनी ज़्यादा हरकतें, शरारतें माशाल्लाह से, इन सिर्फ फेस रिवील से पहले यानी सिर्फ एक महीने के अंदर माशाल्लाह इसकी इतनी ज़्यादा शरारतें हैं, तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। आप बस बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। और इसी तरीके से मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।